हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती टेस्ट जोन। बहुत सारी ओपनिंग ट्रैप्स होती है, जो पहले मैंने दो तीन वीडियो आपको ऑलरेडी स्क्वॉश गैम्बिट की ट्रैप्स के बारे में बता दिए हैं। आज हम देखेंगे आज से बिशप ओपनिंग ट्रैप्स। बिशप ओपनिंग क्या होती है? सबसे पहले e4, e5, bc4, bc5, ये होती है बिशप ओपनिंग। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे फोर्क के बारे में, मतलब डबल अटैक। c3, ब्लैक अगर नाइट c6 करता है यहाँ पे, तो यहाँ आपको खेलना है d4। देखो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है पॉन टेक्स और बिशप b6 एक्सचेंज नहीं करना है। काउंटर अटैक अगर ब्लैक ने किया तो यहाँ पे ब्लैक फंस सकता है d5। अब देखो c takes d5, knight a5, बिशप पे अटैक। यहाँ आपको पॉन टेक्स बिशप, आफ्टर नाइट टेक्स c4 आपको एक और पीस मिल जाएगा, क्वीन a4 चेक से। तो ये थी पहली ट्रैप। चलिए दूसरी ट्रैप देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सेकंड ट्रैप है जो e4, e5, bc4, knight f6 इंस्टेड ऑफ bc5, d3। सिंपल डेवलपमेंट है, डार्क स्क्वायर बिशप ओपन करना है। बिशप e7, यहाँ पे आप f4 करके अर्ली अटैक कर सकते हैं। ब्लैक अगर ये पॉन एक्सचेंज में लेता है तो यहाँ पे नेक्स्ट मूव में e5। अब नाइट के पास दो ऑप्शन है, ng8 और दूसरा जो है काउंटर अटैक ऑन d5। d5 बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वहाँ भी ब्लैक को दो पीस खोने पड़ेंगे। इफ ब्लैक प्लेज d5, तो यहाँ पे सिंपल पॉन टेक्स नाइट, पॉन टेक्स बिशप और पॉन्टेक बिशप, तो यहाँ भी वाइट प्लस हो जाएगा, तो काउंटर अटैक पॉसिबल नहीं है। नाइट के पास कोई भी स्क्वायर नहीं है सिवाय के g8 पे, तो नाइट g8 में यहाँ भी वाइट को फायदा हो रहा है। बिशप पहले नाइट c3 डेवलप करना है। ब्लैक ट्राई करेगा लाइट स्क्वायर बिशप को ओपन करने का, यहाँ आपको बिशप f4 मार देना है। पॉन्टेक्स पॉन, ये दूसरी एरर है, यहाँ पे क्वीन h5 आएगा, मेट की थ्रेट है। अब एक ही बेस्ट चॉइस है g6 और क्वीन टेक्स e5, बिशप पिन हो गया, रुक पे अटैक। ब्लैक ट्राई करेगा डेवलप विथ डिफेंस, तो नाइट f6, यहाँ आपको खेलना है नाइट d5, एक और अटैक। अब देखिए नाइट टेक्स नाइट, बिशप टेक्स नाइट पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ये नाइट टेक्स नाइट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वीन से रुक मर रहा है, तो इसे डिफेंस करने के लिए नाइट d7 करना पड़ेगा और नाइट c7 चेक। अब चेक में यहाँ पे नाइट ने काउंटर अटैक किया है, किंग f8 लॉसेस द बिशप h6 चेक, किंग g8 और फिर बिशप f7 चेक सैक्रिफाइस और क्वीन e6 चेक। तो ये दूसरी ट्रैप है। चलिए यहाँ पे बिशप ओपनिंग में ट्रैप नंबर 3 जो है वो ब्लैक की साइड से, मतलब ब्लैक इसमें विन हो रहा है। e4, e5, bc4, knight f6, d3 सिंपल जो लास्ट गेम हमने देखी थी उसी प्रकार, c6। आइडिया बिहाइंड दिस मूव d5 सेंटर कंट्रोल करने का। तो वाइट यहाँ पे qe2 करता है, क्योंकि d5 स्टॉप करने के लिए qe2 जरूरी है। आफ्टर d5 pawn takes देन qe e5 चेक, लेकिन ब्लैक इसे बिशप e7 से डिफेंड कर लेता है। अब नाइट डेवलप होगा और यहाँ पे ये एक पॉन सेक्रीफाइस करना है आपको, कैसल। अगर वाइट ने ये नाइट एक्सेप्ट कर लिया तो क्वीन a5 चेक से डबल अटैक से आपको नाइट मिल जाएगा सिंपल, क्योंकि नाइट को कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ चेक भी है। अगर वाइट ने नाइट टेक्स खेला तो सिंपल क्वीन टेक्स नाइट। तो ये थी ट्रैप ब्लैक के साइड में। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं e4 e5 के बारे में, मेटिंग अटैक के बारे में। बिशप c4, नाइट f6, d3, c6। यहाँ पे वाइट नाइट f3 करता है लाइक क्वीन e2 के बदले। आप सोचोगे कि हर बार क्वीन e2 क्यों, अलग अलग मूव्स कर सकता है वाइट। अब ऐसे में आपको d5 काउंटर अटैक करना है, वाइट बिशप b3 खेलेगा, उसके बाद पॉन टेक्स पॉन मारना है, नाइट g5। यहाँ पे एक फोर्क की लालच ले रहे f7 पे, फोर्क
अलाउ करते हैं, मतलब हम बिशप सी फाइव खेलेंगे, नाइट इंटू एफ सेवन और क्वीन बी सिक्स। अब अगर वाइट ने नाइट एच आपका सेक्रीफाइस जो रुक का है वो एक्सेप्ट कर लिया तो सिंपल ब्लैक विन है, क्योंकि यहाँ पे बिशप इंटू एफ टू चेक, किंग एफ वन, उसके बाद बिशप जी फोर, अब क्वीन के पास ओनली ऑप्शन है डी टू, उसके बाद फिर ई थ्री, अब क्वीन के पास ओनली ऑप्शन है सी थ्री और उसके बाद ई टू चेक, बहुत ही जल्दी चेकमेट हो रही है। तो ये ट्रैप भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है, कहीं आप भी नहीं फंस जाए इसमें, हो सके तो आप अपने अपोनेंट को इसमें फंसा सकते हैं। चलिए आज की लास्ट ट्रैप देख लेते हैं। तो ये ट्रैप जो है ये वाइट की ओर से दोस्तों, यहाँ पे हम सेम ई फोर वाली लाइन देखते हैं, ई फोर ई फाइव नाइट बिशप बिशप ओपनिंग, ध्यान रखिए सभी हम बिशप ओपनिंग के बारे में देख रहे हैं, सारे वीडियो आप देख लीजिए, सभी ट्रैप्स आपको क्लियर हो जाएगी। नाइट एफ सिक्स, डी फोर, डी थ्री नहीं, हम डी फोर कर रहे हैं अटैकिंग, पॉन सेक्रीफाइस, ई क्रॉस डी फोर, यहाँ पे एडवांस करना है नाइट एफ थ्री और ई फोर, वन मोर पॉन सेक्रीफाइस, नाइट टेक्स पॉन, देन क्वीन टेक्स डी फोर। अब नाइट डी सिक्स जाता है तो यहां पे आपको करना है कैसल, बस इस पोजीशन में दोस्तों ब्लैक अगर एक मिस्टेक करता है आपको वेट करना है, आपका डेवलप हो गया है, एक पॉन आपने दे दिया लेकिन आपके बिशप नाइट और क्वीन डेवलप हो चुके हैं, कैसल भी हो चुका है। अगर ब्लैक ने ट्रेड करना चाहा कि नाइट टेक्स सी फाइव तो यहाँ पे ब्लैक क्लियरली तुरंत लॉस हो जाएगा, क्योंकि फोर्स मूव सारे आएंगे, आर ई वन चेक, बिशप ई सेवन फोर्स से, क्वीन जी सेवन और रुक पे अटैक है, तो रुक एफ एट फोर्स से और बिशप एच सिक्स, और इसके बाद ब्लैक को करना पड़ेगा सिंपली गेम रिजाइन, क्योंकि इस रुक को कोई बचा नहीं सकता और मेट भी हो सकता है जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रैप्स, बहुत सारे ट्रैप्स आपको दिखाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, वन बाय वन सारे वीडियो देख लीजिए। अब फिलहाल हम लोग देख रहे हैं बिशप ओपनिंग की ट्रैप्स, इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी स्क्वॉच गैम्बिट और सेंटर गेम की ट्रैप्स, तो वन बाय वन बहुत सारे ट्रैप्स आपको दिखाने वाला हूँ, 700 जैसी ट्रैप्स आपको देखने को मिलेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जल्द ही मिलेंगे, जय हिंद जय गुजरात।